अब लास्ट बारी है, चेक करने की। अभी भी नहीं हुआ है। ये जो छिलका माँ है ना, और ये जो दूल्हे माँ है, इन्होंने आज मेरे पसीना निकाल दिया। ये पूरी तरह से ना घास में तरह था, घास में तरना था ये। इलाय तरना था, क्या पानी वो घास से खींच कोई। चाहे जो भी बना होगा, रूखा सूखा, पर भोग जरूर। टेस्ट करके बताओ मेरे को कैसे बने। बहुत बढ़िया महाराज, बिना खाद दिए। बिना खाए नहीं बताना, पहले खा लो। बहुत अच्छा। जो आपने धूले माँ भिगोए थे ना, उन्होंने मेरे 12 बजा दिए आज। इतनी मेहनत करवाई उन्होंने। तो ये जो माँ छिलका था, ये कम था हमारे पास, और इसमें हमने बता क्या डाला है। शाम को हमारा प्लान बना कि हमने आज नई रेसिपी बनानी है। मन कर रहा था खाने को काफ़ी दिनों से। तो ये जो माँ छिलका था, ये था कम, और इसमें डाल धूले माँ डाल दिए। इसमें जो छोटे छोटे, इसमें दिखाने एक बराबर जैसे दिख रहे हैं, पर जो छोटे छोटे ये छोटे छोटे ये भी इसमें डाल दिए थे। ये जो धूले माँ था, ये कम था, दो एक जैसे लग रहे हैं ना, तो ये थोड़े छोटे होते हैं, ये भी धूले माँ होते हैं। अब इनकी धुलाई हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और आपने देख लिया कि सुबह हमने जो माँ छिलका था उसको धो दिया है, और आज जो है तो नई रेसिपी बना रहे हैं। और मैं लेंटर पे आ गई हूँ। सुबह का मौसम अभी 7 बजे का टाइम हुआ है, और ममता चपाती बना रही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए चपाती हो जाएगी। इसके लिए ना थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसको बनाने में ही। और हस्बैंड जी गए हैं दूध देने के लिए, तो ये चली गई है जीप। 7 बजे जाती है यहाँ, 7:30 ऐसे जाती है। तो पहले दूध का करना पड़ता है, और फिर जाकर फिर खाना बनाने को ना बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पे जुगाड़ लगा दिया है। तो ये जो माँ छिलका है, ये कम था, तो इसमें धुले हुए माँ होते छोटे छोटे ना, उनको भी मिक्स किया है इसमें। क्योंकि ये जो छिलका था, माँ छिलका था ना, थोड़ा कम था। तो मैं थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कि कहाँ ये जुगाड़ लगाया है। झूले पे लगाया, क्योंकि ये जो है ना, ये या तो चारपाई पे लगता है, तो चारपाई जो है वो हमारी नीचे है, स्टोर में है तो है पर स्टोर में है, तो यहाँ यहीं लगाते हैं हम। अगर हमने इसमें इट्टी वगैरह कुछ पीसनी हो ना, तो यहीं पे लगता है जुगाड़। और ये देखो इस तरह से यहाँ निकल रहा है। और पहले चाय ले लो, अच्छी से इसमें डाल रहे हैं, और यहाँ से फटाफट से निकाल देंगे इसको। और फिर इसको बनाने के लिए ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। जब तक ये बनता नहीं है, तो कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। और आज मौसम ना बिल्कुल धूप वाला है, और इस तरफ धूप लग गई है, और लौकी की बेल कहाँ पहुँच गई, ग्रिल ग्रिल से निकल रही है ये भी। अब पता नहीं कहाँ तक जाएगी इसमें लौकी, लगेगी कि नहीं लगेगी। यहाँ पहुँच गई है ये, यहाँ से होते हुए वो रहे ना, ग्रिल खराब जाती है इसे। देखो ये यहाँ से निकली भाई, यहाँ से पौड़ियों के नीचे नीचे से होकर, और यहाँ से, और पूरी ग्रिल कवर कर ली इसने ऊपर तक। चल लौकी लग जाए तब तो अच्छी है। पहले मिल्किंग की, फिर झाड़ू लगाया, सारे आंगन साफ कर दिए हैं। और तल बना रही है थोड़ी सी चपाती, टाइम 7 बजे का हो गया है। और अब इसके बाद हम बनाएंगे फिर भल्ले। बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर दूध रेडी हो गया है। और अब इसने से चपाते ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि इन्होंने स्कूल में जाना है, और सब्जी जो है वो लौकी की बनाई है। तो जो माँ छिलका और धुले हुए माँ थे, वो भिगोए थे शाम को, और उसको जो है तो मिक्सी में नहीं, वो इट्टी पीसने की मशीन है, उसमें निकाला है। तो अब ये तैयार हो गया। इसमें मैं मसाले वगैरह डाल लूँगी। तो ये सबसे पहले बेकिंग पाउडर है, तो ये डाल लिया है मैंने, जितना हमारे पास मटेरियल है उसके अनुसार। और धनिया, और ये है मसाला मैंने ज़्यादा नहीं डाला हुआ है, धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और ये हींग है, ये अभी गला नहीं है, इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उतने को ना मैं ये मिला लेती हूँ इसको। ये मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने इस बार, से जितने भी मसाले हो, गर्म मसाला वगैरह जो भी होता है डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला हुआ, मैंने थोड़े से मसाले डाले, वो सिंपल से बनाया हुआ है। तो
ये दो प्रकार की दालें थे, एक तो पहले भी मैंने बता दिया है आपको, तो ये हींग भी हो गया है। अब इसको मैं मिला लूँगी, और इसने ना मैंने सोचा 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। देख मैं चेक कर रही हूँ इसको बार बार, तो जब ये जुगाड़ होता है हमारे, आइडिया होता है, जब ये जो पानी रखा हुआ मैं इसमें जब मैं दाल डालूंगी ना, दूसरी बार कर रही हूँ चेक, तो ये ऊपर नहीं आ रहा था, आधे पानी तक आ रहा था ऊपर, थोड़ा सा जो मैंने ये बर्तन रखा इसमें थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, थोड़ा सा ये फुल ऊपर आता है, बिल्कुल पानी पे तैर जाता है। फिर इसमें जो धुली धुले हुए माँ डाले हुए ना, वो शायद काम खराब करे। अब तीसरी बारी है चेक करने की, क्योंकि बाजू में दर्द लग गई है भाई इसको बना बना के। मुझे पता है मैंने पहले भी कई, मैं हर कभी बना देती थी, मुझे पता है जो धुले हुए माँ होते हैं ना वो 10 से 15 मिनट लेते हैं, ठीक है, इस तरह से बनने के लिए, तो ये तो बन ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पर चलो अब मुझे जो मैंने एक बार काम शुरू कर दिया है उसको तो मैं अंजाम देख कर रहूंगी, तो अब चौथी बार चल पड़ा है तैयारी। ये पूरी तरह से नगा सुन तरह दगा सुन तरह ना था ये। ये तो बिल्कुल ऊपर तैरती है, मैंने पहले भी कई बार बनाए, लेकिन ये जो इसमें धुले हुए माँ है ना ये सारी गड़बड़ कर रहे हैं, और यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, और अब बारी बारी से बनाती जाऊँगी मैं। तो तेल गर्म था, और मैंने जो पहला भोग, जो रोटी भोग जो भी बनता है, तो सबसे पहले अग्निदेव को दे दिया है पहला, और अब बारी बारी से बना लूँगी मैं सभी। लेकिन इसमें यहाँ कम कैमरा तो मैंने ट्राईबोर्ड में लगा दिया, ट्राईबोर्ड भी ऐसा ही था टूटा फूटा हुआ, तो मैंने सोचा मैं पूरी दिख रही हूँ, लेकिन मैं कहाँ दिख रही हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे तो चूल्हा और कढ़ाई दिख रही हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ कि किस तरह से बना रही हूँ। तो इट्टी बिल्कुल तैयार थी, और उसमें बीच में छेद डाला और तलने के लिए छोड़ दिया, और लास्ट में इसमें छेद करना ही भूल गई। लगाओ आप हिसाब, अगर कुकिंग का यही आ रहा तुलसी देवी का, तो फिर वो तो इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉगर बनेगी कुकिंग में, ठीक है। तो आपने एडजस्ट कर लेना है, और इडली हमारी तैयार थी, मसाले बना दिए हैं, और फिर उसके बाद सिर्फ तला, देखो इस तरह से बने हुए छेद वाले ना बहुत अच्छे लगते हैं। पर चलो अब मैं तो नहीं देखी इसमें, अगली बार ध्यान रखूंगी। तो यहाँ पे तिल्ली में बनाए हैं चावल, और कभी कुकर में बना लेते हैं, कभी तिल्ली में बना लेते हैं, अब अगर जल्दी हो तो कुकर में बना लेते हैं, और अगर आराम से काम करना हो तो पतीले में बना लेते हैं। जल्दी तो आज भी थी, लेकिन पतीले में बना लिए। और ये रहा जी घी, ठीक है, फटाफट से इसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब खुद तो बाद में खाएंगे, पहले भगवान के लिए भोग लगेगा, हस्बैंड जी स्नान कर रहे हैं, और जो पहली चपाती बनी होती है या पहला कोई भी भोजन बना हो तो उसका सबसे पहले भोग लगता है, ये हर रोज एक दिन की बात है, लेकिन मैं बीच बीच में बता देती हूँ, लेकिन भोग सुबह रोज लगेगा, चाहे जो भी बना होगा रूखा सूखा, पर भोग जरूर, ठीक है। तो आज की जो रेसिपी थी वो स्पेशल थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये रहा दही, ठीक है, तो दही भी यहीं लगा दूंगी, और भल्ला और भात भी यहीं पे लगा दूंगी, तो खुद तो बाद में खाएंगे। और अभी मुझे थंबनेल के लिए फोटो भी लेना है, लेकिन जब हस्बैंड जी भोग लगाकर आ जाएंगे ना, तब थंबनेल के लिए फोटो लूंगी। जब मुझे पशु बाहर करने, क्योंकि 9 बजे पशु भी बाहर होते हैं और मेरा प्रीमियर भी लगता है, ठीक है। तो कोशिश करती हूँ कि मैं फ्री हो जाती, कभी फ्री भी नहीं होती। भगवान के लिए मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है, अब मैं फटाफट से चलती हूँ पशु बाहर कर लेती हूँ, और जितने वो हस्बैंड जी भोग लगा कर आएंगे तो फिर थमेल के लिए फोटो लेंगे, और उसके बाद फिर हम खुद भोजन करेंगे। बच्चे जो है वो लौकी की सब्जी और चपाती बनाए ममता ने सुबह, वो तो ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं, वो खाएंगे स्कूल से आके, तो मैं इनको ढक कर अब जा रही हूँ बाहर, पशु फटाफट से बाहर कर लेती हूँ, ठीक है। टेस्ट करके बताओ मेरे को कैसे बने। बहुत बढ़िया महाराज, बिना खाद दिए, बिना खाए नहीं बताना, पहले खा लो फिर बताओ, टेस्ट कर। बहुत अच्छा, जो आपने धुले माँ भिगोए थे ना, उन्होंने मेरे 12 बजा दिए आज, इतनी मेहनत करवाई उन्होंने। अच्छा
तो चलो बन गए। मैंने सोचा पता नहीं कैसे उठपटांग जैसे बन गए। मैंने ना छिलके माँ के ही बनाए हुए थे, जो छिलका माँ होता है हमारा ना उसको जल्दी से बनाकर तैयार हो जाते हैं। इसने तो मेरे 12 बजा दिए, तो मैं भी कर लेती हूँ साथ साथ में ही ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी 9:30 बजे का टाइम है। और फिर अगर भूख लगेगी तो लंच कर लेंगे, अगर नहीं लगेगी तो हम खाते भी नहीं। एक ही बार हो जाता है हमारा लंच भी और ब्रेकफास्ट भी। और इस वीडियो को भी यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो देवभूमि हिमाचल।